अल्लापुर यूको बैंक के पास जी कप्तान साहब बताए इलाहाबाद से कि गोगल पट्टी पर उसमें गोली मार दी। हम लोग गोगल पट्टी पहुंचे तो गाड़ी दिखाई पड़ रही थी, तो हम लोग समझे नहीं कि ये लोग हैं। अच्छा, सुभाष आओ, ये फोन किसी को पकड़ेगा? हाँ हाँ, इधर पकड़े ना, बराबर पकड़े ना, उठ जाएगा, गिर जाएगा तो पकड़े, नहीं गिरेगा, पकड़ा ना तू। अरे सर करें, गाड़ी गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, ऊपर पड़ेगा। वो ड्राइवर था पहले हम लोगों के यहाँ, उसका नाम संजय यादव है, और उसने जो है अभी 4-5 महीने पहले काम छोड़ दिया था, 4 महीने पहले करीब खुद से छोड़ा था, उसको कोई हटाया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली में मिक्सअप था, तो बच्चे से बहुत ज़्यादा मिक्सअप हेला मिला था, तो उसके मन में कुछ ऐसा कुछ जागा होगा गंदा काम, तो उसने बच्चे का कल बर्थडे है, तो उसने बच्चे को गिफ्ट दिलाने के बहाने से जो है वहाँ जिमनास्टिक हॉल से उठा लिया, बहुत स्कूल से। इसके बाद घर में फ़ोन किया हमारे फादर इन लॉ को, ससुर को हमारे, इसके बाबा को कि जो है हमें पैसे चाहिए आपसे। कितने पैसे मांगे उसने? 3 करोड़ मांगे थे। फिर पुलिस की हेल्प ली गई, पुलिस ने बहुत अच्छा साथ दिया, क्राइम ब्रांच वालों में तो बराबर था, क्राइम ब्रांच वालों के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बच्चा हमारे साथ थे, सुरक्षित थे। तो गोली लगी है, जो आरोपी है लेकर भाग रहा था, उस पे से गोली लगी, क्या जानकारी मिली? हमको जो जानकारी मिली है कि उसने खुद से अपने आप को शूट कर लिया। आज थाना सिविल लाइन्स में एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें BHS स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, अभिषेक सिंह का बेटा है, अभिषेक सिंह और पंकज का बेटा है, और इसका बच्चे का नाम रणवीर है, उम्र लगभग 6 साल है। BHS में ये जिमनास्टिक के लिए जाता था और इसका ड्राइवर छोड़ गया था, लेकिन यही इसके जब समय समाप्त हो गया तो इसका पुराना ड्राइवर संजय यादव इसको लेने आया अल्टो गाड़ी से, और सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिविल लाइन जो है मौके पर जाकर वादी को लेकर के और पुराने ड्राइवर के घर झूसी पे गए। अपहरण की सूचना पे क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम को लगा करके कई जगह दबिश की गई और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। ये एक बड़ी ही लाइव टाइप की घटना हुई, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस ब्रांच की टीम, हमारे ASP साहब, हमारे गंगापार साहब, हमारे SP सिटी जो है, उन्होंने लग करके हमारे पर्यवेक्षण में, SG साहब और DG साहब के पर्यवेक्षण में, हम सभी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें एक घटना में, ये लाइव घटना में, ये जब सराय इनायत के पास से ये गाड़ी निकल रही थी और हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी, तो उस समय ये हंडिया मोड़ की तरफ से भागा, तिराहे से भागा, तब ये गाड़ी पर फायर किया गया इसके टायर पे, ताकि इसका गाड़ी रुक जाए, तो इसने गाड़ी में जब टायर पे फायर किया आगे और पिछले दोनों टायर पे, तो टायर तो फट गए, लेकिन इसके बाद भी इसने गाड़ी को दौड़ाया और स्टेपनी पे लगातार इसने 12-15 किलोमीटर गाड़ी को आगे दौड़ा दिया। कुल मिलाकर के जब आगे हम लोग इसको पहुंचे और एक आगे हमने भदोही की पुलिस से भी कांटेक्ट किया, उनसे भी हमने कहा कि आप चकबंदी नाकाबंदी लगाइए, और साथ में SP से बात की, वहाँ एडिशनल SP और लोकल SHO से भी बात की, साथ में जौनपुर थाने के SSP से भी बात की और अन्य थानों से भी बात की, वहाँ के जो लोग थे उनसे बात की, और उसके बाद जब नाका लगवाया तो इसने पहले ही एक सुनसान मोड़ की तरफ भेज दिया, जहाँ पर रास्ता खराब होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत धीमी रह गई, और जब ये रास्ते में लगातार ये अपने बच्चे से कहलवाता रहा कि बता दो कि पुलिस अंकल हमारा पीछा ना करें, हमारे हमको जान का खतरा है, इस तरह से, और स्वयं भी ये लगातार पिस्टल से लहराता रहा, जिससे कि ये लोगों को संकेत देता रहे। इसीलिए हम लोगों ने इसको जब तक ये डिसाइड किया कि जब तक ये स्वयं सरेंडर नहीं कर देगा तब तक हम लोग इस पर नहीं करेंगे। फिर ये जब इसके बगल में हम लोगों की गाड़ी पहुंच गई कम स्पीड में, तब इसने अपनी गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश की। इस समय में पुलिस की उस घटनाक्रम में इसने पुलिस के ऊपर पहले एक फायर भी किया,
जो नहीं लगा। इसके बाद जब इसने दरवाजा खोल करके भागने की कोशिश की, तो जैसे ही दरवाजा खोला तो पुलिस टीम ने भी एक फायर की, जिससे इसके पैर में एक गोली लगी है। जब इसने अपने आप को पूरी तरह से घिरा देख लिया और समझ लिया कि अब नहीं मैं भाग पाऊंगा, तब इसने अपने आप को गोली मार ली सर में। अभी इसका मौके पर ले जा रहे हैं थाने में, अस्पताल में ले जा रहे हैं, भदोही हॉस्पिटल में, वहाँ पर मौके पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं और वो जल्द ही इसमें अन्य सूचनाएं देंगे कि क्या स्थिति है। सर पुलिस की ओर से कितनी फायरिंग हुई? पुलिस की ओर से लगभग 6 से 7 गोलियां चलाई गई हैं और बाकी हम लोग पूरी रिपोर्ट बना करके